चूता ही पछा आत्मा अकर्ता है अकर्ता रहेगा कर्म का कोई भी फल कभी आत्मा तक आया ही नहीं ये तो भूल से अज्ञान से जीव ने जान लिया कि ये कर्म मैं करता हूं तो इस कर्म का फल भी मुझको मिलेगा ज्ञान ने ज्ञान की खड़ग से इस अज्ञान के पर्दे को चीर दिया और देखा न मैं देह हूं न मैं मन हूं नहीं मैं चित्त हूं नहीं मैं चित्त के संस्कार हूं इन संस्कारों से निकले विचार भी मैं नहीं इन विचारों से बने संकल्प भी मैं नहीं इन संकल्पों से हुए कर्म भी मैं नहीं तो फिर इन कर्म के फल का भोगता मैं कैसे हो सकता उसने सिरे से इस ज्ञान की तलवार से इस अज्ञान की पूरी जड़ को काट के फेंक दिया प्रभु कहते हैं जिसने इस बात को जाना समझा सो ज्ञानवान है और सो ही सन्यासी है वस्त्र से कोई सन्यासी नहीं बेश से कोई सन्यासी नहीं होता है सन्यासी कोई होता है अपने विवेक से अपने निश्चय से तुम्हारा निश्चय कहां पर है आकाश न कभी मैला हुआ था न कभी मैला हो सकता है आकाश न कभी काला था न कभी अमावस्या की काली माँ उसको काली कर सकती है आकाश कभी शुभ्र न था न कभी सूर्य उसको शुभ्र बना सकता है आकाश तो हमेशा ही अवकाश देता है कभी सूर्य को कभी चांद को कभी अंधकार को कभी तमस को स्वयं वो असंग रहता है शून्य शून्यवत भगवान कह रहे हैं जो इस मर्म को जानता है जो इस मर्म को समझता है सो ही, सन्यासी, सो ही त्यागी है त्यागी वो नहीं जिसने कुछ छोड़ दिया त्यागी अभी तो वो है जिसने ये जाना कि मैंने पकड़ा ही कभी कुछ नहीं था मैंने कुछ पकड़ा है मैं कुछ पकड़ सकता हूं मेरे को कोई बांध सकता है ये मात्र अज्ञानियों के किए गए वृथा प्रलाप होते हैं ज्ञानी जन तो इस बात को समझते हैं इस बात को जानते हैं कि कुछ भी कभी भी कहीं भी मुझको बांध नहीं सकता है और मैं मुक्त था मुक्त हूं और मेरी मुक्ति में किसी भी वस्तु की कभी कोई बाधा हो नहीं सकती अज्ञान चित्त में है और ज्ञान भी चित्त को कराना पड़ता है बस बात इतनी सी है जहां पर अंधकार होगा रोशनी तो वहीं करनी पड़ेगी ना तो अज्ञान का अंधकार तुम्हारे चित्त में है तो ज्ञान की रोशनी भी तुम्हारे चित्त में हो रही है आत्मा न कभी अज्ञानी था ना आत्मा कभी ज्ञानी होगा जो अपने आप को संसार में बंधा हुआ जानते हैं उनका आत्मा भी मुक्त ही है और जो स्वयं को मुक्त जानते हैं उन्हें भी पता है कि उन्होंने मुक्ति अर्जित नहीं की है मुक्त तो हुए नहीं है वो मुक्त तो थे ही सिर्फ देखा है। सिर्फ देखा, सिर्फ पहचाना है इसीलिए तो ज्ञानी अहंकारी हो ही नहीं सकता जो ये कहते हैं ना ज्ञानी अहंकारी होता है यहाँ ज्ञानियों को हमने अहंकारी देखा है तो प्यारे आपने किसी ज्ञानी को नहीं किसी ज्ञान के आभास वाले ज्ञानी को देखा होगा जिसमें सिर्फ ये भ्रम है सिर्फ ये भूलेखा है कि मैंने पाया मैंने पाया मैंने पाया कबीर साहब कहते हैं पाया कहे सो बाबरा खोया कहे सो कूर पाया खोया कुछ नहीं का त्यों भरपूर अज्ञानी कहता मैंने परमात्मा को खो दिया और कोई कोई कहता मैंने परमात्मा को पा लिया ज्ञानी का कहता है ज्ञानी कहता है जिसको मैंने कभी खोया ही नहीं उसको मैं प्राप्त क्या करूंगा आत्मनित्य नित्य ही ब्रह्म था ब्रह्म है ब्रह्म रहेगा ब्रह्म से अन्यत्र मैं कुछ हो ही नहीं सकता हूं अगर मैं अपने आप को कुछ और देखता हूं जानता हूं मानता हूं तो ये मेरी भूल है किसकी भूल मेरी नहीं मेरे मन की भूल है मेरी भूल तो फिर भी नहीं मैं तो भूलनहारा हूं ही नहीं मैं भूलनहारा हो ही नहीं सकता कैसे हो सकता हूं कैसे हो सकता श्री भगवान कहते हैं यस्य ना हम कुतो भावो बुद्धि यस न लिप्यते हत्वापि सा इमान लोकान नहती न निबध्यते जिस पुरुष के अंतकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में लिपायमान नहीं होती वह पुरुष इन सब लोगों को मार करके भी न तो मारता है ना पाप से बंधता है बहुत खतरनाक बात है ये बहुत खतरनाक बात जो कर्म से बंधा नहीं मैं करता हूं ऐसा कभी जिसके अंदर ख्याल नहीं आया संसार के पदार्थों में जिसकी बुद्धि लगती नहीं और भोग को भोगते हुए जो चित्त जिसका लिपायमान नहीं होता लिपायमान होने का अर्थ है अफ्लिक्टेड गेटिंग अफेक्टेड सी दिस वन थिंग इज टू बी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली जो भोग नहीं भोगता है सो त्यागी होता है पर ज्ञानवान को भोगों को भोगने में भी कोई परेशानी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है उसको जिसको दिक्कत है तो सोचना पड़ेगा उसको दिक्कत क्यों है जरूर अभी भी उसके मन में चोर है नहीं तो दिक्कत क्यों हो नहीं तो दिक्कत क्यों हो भोग की उसको आकांक्षा नहीं है पर अगर उसके प्रारब्ध से उसको भोग पदार्थ मिल जाता है तो वो इनकार भी नहीं करता है अब ये बात बड़ी खतरनाक है जो कच्ची बुद्धि वाला कच्चे ज्ञान वाला है वो इस बात का ही तो उपयोग करके अपने जीवन में ऐसे ऐसे दुराचार व्यभिचार कर लेता है कि बस क्या ही कहने फल की इच्छा नहीं है भोग की इच्छा नहीं है पर सहज प्रारब्ध से अगर उसको भोग प्राप्त होता है तो वो इनकार भी नहीं करता है देखिए कृष्ण की दृष्टि बड़ी व्यापक है बहुत फ्लेक्सिबल है और बहुत दूरगामी कृष्ण की दृष्टि छोटी नहीं कृष्ण साधारण सन्यासियों की बात नहीं कर रहे हैं जो भोगों से डरे हुए जो स्त्री न दिख जाए तो आंख बंद कर लेते हैं स्त्री को देख के आंख वही बंद करता है जिसके मन में अभी भी वासना है और उसको इस बात का डर है अगर वो ज्यादा देर देखेगा तो वासना जोर मार जाएगी और जब वासना जोर मार जाएगी तो उससे पता नहीं क्या हरकत हो जाए और बाद में उसको तकलीफ हो शाम के बाद अक्सर जुआ खानों में पाए जाते थे जहां जुआरी, शराबी बैठते जहां का नृत्य होता जहां का मूल भाव भी होता जीसस वहां पर मिलते थे एक दिन उनके एक शिष्य जोसेफ ने कहा कि मुझे समझ नहीं लगती है कि शाम होते ही आप ऐसी जगहों पर क्यों जाने की कार्यक्रम बना लेते हैं क्या आपको शोभा देता है आप एक धर्म गुरु हैं आपको यहाँ जाना नहीं चाहिए आपकी बहुत संसार निंदा करेगा जीसस ने कहा पहली बात तो ये मैं धर्म गुरु नहीं हूं दूसरी बात इन्हीं जुआ घरों इन्हीं शराब खानों इन्हीं वेश्यालयों में मुझे मेरे संभावित श्रोता मिलेंगे जो आनंद को प्राप्त करने की इतनी लालसा रखता है कि संसार की लोकलाज को ताक पर रखने की भी हिम्मत रखता है मुझे ऐसे वह हिम्मतवर लोग ही तो चाहिए वो पाखंडी होते हैं जो भोग तो भोगना चाहते हैं पर शराब और मदिरालयों में जाने की हिम्मत भी नहीं करते इन्होंने इतनी हिम्मत तो की ये कुछ रस ढूंढ रहे हैं ये कुछ सुख ढूंढ रहे हैं और यही वो जगह है जहां बैठ के मैं इनके साथ इनकी निंदा नहीं करता सब लोग इनकी निंदा करते हैं पत्नी इनके मां इनके पिता इनकी निंदा करते हैं। पर मैं इनकी निंदा नहीं करता हूं मैं इनसे मित्र पूर्वक मैत्रीपूर्ण रिश्ता रखता हूं और फिर जब इनको मेरे प्रति कुछ विश्वास या प्रेम या मैत्री जग जाए तो फिर चुपके से ये कह देता हूँ कि ये जो तेरा मज़ा है ये थोड़ी देर का है कल फिर तुझे भागना पड़ेगा पैसे जमा करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ बिना पैसे के तो कुछ मिलेगा नहीं तुझको आ मैं तुझको दिखाऊँ एक ऐसा भी रस है जहाँ कुछ पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और तुझको ब्रह्मानंद भी मिल जाएगा ये वो लोग हैं जिनमें हिम्मत है ये वो लोग हैं जो कुछ ढूंढ रहे हैं जिसने दो रोटी खाई और सो गया जिसने चार बच्चे पैदा किए और जो संतुष्ट है अपने जीवन में वो धर्म की यात्रा कैसे कर सकता है धर्म की यात्रा करने की भी एक हिम्मत होती और ये हिम्मत इस जुआरी में है एक बाजी के लिए ये अपना सब कुछ हार जाता है जो चंद रुपए के लिए जुआ खेल सकता है भारी बाजी लगा सकता है तो वो परमात्मा के लिए अपने जीवन को दाव लगाने में भी फिर पीछे नहीं हटेगा हिम्मत है इसमें ईसा की सोच देखिए तुम सोच भी नहीं सकते हो कि कोई धर्म गुरु और शराब घरों में मिले और उनको रत्ती भर भी परवाह नहीं इस बात की कि दुनिया उनके बारे में क्या कहेगी क्योंकि उनको जो करना था सो वो कर रहे थे और दुनिया उनके लिए क्या कहती है ये बात वो बहुत अच्छे से समझते थे दुनिया तो है ही ऐसी आज सम्मान देगी कल अपमान करेगी फिर अपमान करेगी फिर, अपमान करेगी, फिर सम्मान देगी और तो कुछ तीसरी चीज तो दुनिया के पास है नहीं शराबियों के साथ बैठते हैं पर खुद थोड़ी पी हैं वेशियाओं के साथ बैठते हैं पर वेशिया गमन तो नहीं कर रहे उल्टे जीसस से सबसे अधिक प्रेम करने वाली स्त्रियों में एक स्त्री मेरी मैकडलीन वेशिया ही थी पर जिस दिन से वो जीसस को मिली उस दिन से उसका जीवन बदल गया उसने पुरुषों का संसर्ग तो किया था पुरुषों से उसने दैहिक सुख तो जरूर पाया था पर किसी पुरुष ने उसको प्रेम भरी दृष्टि से कभी न देखा था जिस दृष्टि से ईसा उसकी ओर देखते थे उनकी दृष्टि में मैल नहीं है वासना नहीं है देह की भूख नहीं है उनकी दृष्टि में एकदम मासूमियत प्रेम है जैसे कोई बालक अपनी माता को देखता और मेरी मैकडलीन ऐसी भक्त हुई मेरी नजर में जो मेरी ने जीसस से प्राप्त किया वो जीसस के उन बारह पुरुष शिष्यों ने कभी प्राप्त किया भी नहीं और अपनी कब्र से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले वो अपने इन पुरुष बारह शिष्यों को जीसस, जोसेफ, जूडास पीटर, थॉमस इनको नहीं मिले मेरी मैकडलीन को मिले ये तो संजोग की बात है कि ईसा की माँ का नाम भी मेरी था और ईसा की शिष्या का नाम भी मेरी है इन दो महिलाओं ने ईसा के जीवन से बहुत कुछ पाया भी और जैसे कि स्त्री का स्वभाव है वो जो भी कुछ प्राप्त करती है उसको अपने भीतर भर लेती है और समा जाती है फिर उसी में मेरी ने कोई अपना अलग से धर्म नहीं चलाया मेरी ने कुछ अलग से अपने ग्रंथ भी नहीं लिखे मेरी कहीं किसी चर्च को बनाकर के पुरोहित भी नहीं बनी बस जीसस से जो कुछ उसको मिला उसको अपने भीतर वो समा गई समा करके लीन हो गई द्वेष नहीं है ज्ञानवान को पापियों से और लोभ नहीं होता है ज्ञानवान को पुण्य कर्म करने वालों से क्योंकि पाप और पुण्य इस द्वंद से ज्ञानवान ऊंचा उठ जाता है और ऐसा ज्ञानवान संसार के भोग को भोगे तो भी असंग और कुछ न भोगे तो भी असंग और श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा पुरुष अगर संसार के सभी लोगों को मार दे तो भी उसको पाप बांध नहीं सकेगा क्रांतिकारी वचन है ये छोटे मोटे कर्म क्या उसको बांधेंगे इस सारे संसार में लोगों का वो हंता हो जाए नाश करता हो जाए तो भी उसको पाप नहीं बांध सकेगा जैसे अग्नि में कोई आदमी जल जाए एक्सीडेंट हो गए घर में आग लग गई दुकान में आग लग गई रेलवे इंजन में रेलवे के बोगी में आग लग गई लोग जल के मर गए तो क्या आप अग्नि को कातिल कहोगे का अग्नि तो तत्व है उसका काम जलाना है उसके सामने उसकी अग्नि की ज्वालाओं में जो आएगा वो जला देगी बाढ़ आती है जल कितने ही मनुष्यों को मारने का कारण बन जाता है डूब के मर जाते हैं लोग अभी बाढ़ आ रखी है देश में बिहार में बहुत भयंकर बाढ़ आ रखी है कोसी नदी ने रास्ता बदल लिया जिस रास्ते में वो 200 साल पहले बहती थी अब अचानक से नदी ने रास्ता ही बदल लिया वो पुराने वाले अपने रास्ते में बहने लग गई है और पांच बड़े नगर बिहार के पानी की चपेट में है और सब कुछ डूब गया है और कितने लोग मर गए हैं दस लाख से अधिक लोग जो हैं वो प्रभावित हुए हैं बाढ़ से पर क्या आप पानी को कातिल कहोगे क्या पानी को कोई दंड दिया जाएगा बवंडर आए कोई भूचाल आए हवा चली तेज टोर्नेडोज आ जाती हैं और कितने लोग बेघर हो जाते हैं कितने लोग मर जाते हैं क्या तुम हवा के ऊपर केस चलाओगे अग्नि तत्व वायु तत्व जल तत्व से अगर किसी मनुष्य या पशु की मृत्यु हो जाए तो आप इन तत्वों को दंडित नहीं करते हो ज्ञानवान इन्हीं तत्वों की तरह ही है ज्ञानी भी ठीक इन्हीं तत्वों की भांति है जिसका किसी से कोई लेन देन शत्रुता और मैत्री नहीं होती श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे आत्मस्थित जिसके अंदर कर्ता भाव नहीं है ना हम कृतो भावो जिसके अंदर मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है ऐसे मनुष्य के ऐसे ज्ञानी के हाथ से कितना ही विध्वंस और नाश हो जाए कि वो कितने ही लोगों को मार दे तो भी उसको पाप बांध नहीं सकता है श्री कृष्ण ने बाल्यकाल से ही कितने राक्षसों को मारा पूतना अघासुर बकासुर ना काली नाग का मर्दन किया कितने राक्षसों को मारा फिर अपने मामा कंस को मारा फिर जरा संध को मरवाया और महाभारत के युद्ध में जितने कौरवों के पक्ष के बड़े बड़े शूरवीर थे सब कभी ना मरते अगर कृष्ण भगवान योजना बना बना के अर्जुन को न देते जैसे भीष्म पितामह को जब मारना था तो शिखंडी को सामने कर दिया सबको पता था कि वो स्त्री पर नपुंसक पर हिजड़े पर वार नहीं करेंगे और जिस दिन मालूम हुआ कि भीष्म पितामह आज शपथ लेके आए हैं कि किसी एक पांडव की हत्या वो जरूर करेंगे उसी दिन उन्होंने लाके शिखंडी को आगे कर दिया बाकी दिन शिखंडी मचलता रहा मुझे लड़ाओ लड़ाओ कहते चुप जब वक्त आएगा तो बुलाएंगे तेरे को चुप रहे शांत रहे मत जब द्रोणाचार्य को मारना था तो ऐसा तरीका रच दिया कि युधिष्ठिर के, के मुख से बुलवा दिया कि अश्वत्थामा मर गया है अब अश्वत्मा मरा तो था नहीं युधिष्ठिर कहे मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा ये है पुण्य का लोभी पाप से डरने वाला इंसान धर्मात्मा जिसको तुम कहते हो ये धर्मात्मा सब डरे हुए लोग होते वो मैं झूठ नहीं बोलूंगा वो कोई नहीं अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारेंगे तो तू बोल दियो कहता नहीं मैं तो भी बोलूंगा अश्वत्थामा जो मरा है वो नर नहीं हाथी है वो कहते चल तू बोल तो सही सबको सिखा दिया जैसे ये बोले अश्वत्थामा मरो शंख बजाओ बिगुल बजाओ झांझ बजाओ धुंदुबिया बजाओ उसके बाद जो वो बोलेगा ना नरोबा कुंजरो वो सुनाई नहीं किसी को देगा बस इतना सुनेगा अश्वत्थामा मरो और सुनते ही गुरुजी ने अपने शस्त्र छोड़ दिए और जैसे ही गुरुजी ने शस्त्र छोड़े कहे, मार इसको अब। अर्जुन कहता है निहत्था है बोले चुप कर मार उसको अब यही मौका है मारने का बेवकूफ अगर अब नहीं मारा तो कैसे मारेगा तू करण को मारा तो भी इसी तरह से योजना बनाई जयद्रथ को जब मारा तब तो क्या खूबसूरत योजना बना दी झूठा सूर्यास्त शपथ थी सूर्य अस्त से पहले अगर जयद्रथ न मारा गया तो अर्जुन ने कहा था मैं अग्नि समाधि लूंगा सारा दिन निकल गया और कौरवों ने इस तरह से उसको भगाया कि जयद्रथ और अर्जुन का सामना ही न हो पूरे समय अर्जुन को उलझा के रखा इतना सूर्यास्त हुआ जयद्रथ खुश हो गया सूर्यास्त हो गया मर 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 अर्जुन अब सरतू अब अपने ही चिता में जा अग्नि समाधि ले शस्त्र वस्त्र छोड़ के जरा रिलैक्स हो गया कि युद्ध तो खत्म हो गया शाम ही युद्ध होता था इतने में बादल छट गए सूर्य देवता फिर बाहर आ गए भाई ये क्या हुआ तो झूठ का सूर्यास्त कहो कृष्ण ने किया कहो हो गया जो मर्जी समझ लो जो कृष्ण के भक्त हैं वो कहेंगे उन्होंने अपनी चमत्कारी शक्ति से सूर्यास्त कर दिया मैं कहती हूं अगर कृष्ण ने अपने चमत्कार दिखाने होते तो अपने एक ही चमत्कार से सब कौरवों को मार देते इतने लंबे युद्ध की जरूरत ही ना रहती मारना था जरासंध को तो भी योजना कृष्ण बनाते उसके पास वरदान था उसका शरीर काटो फिर जुड़ता था काटो फिर जुड़ता था तो भीम को इशारों इशारों में कहा चीर इसको पर बाया उल्टी तरफ फेंक दाया उल्टी तरफ फेंक जुड़ना ही नहीं चाहिए अब जुड़ेगा कैसे ये दुर्योधन को मारना है तो भी योजना कृष्ण बनाते कहीं ने कहा अरे कृष्ण ने तो कितने पाप कर्म कर दिए कितने लोगों को मरवा दिया कितने लोगों को मार दिया कृष्ण को तो बड़ा दंड लगेगा कृष्ण कहते काहे का, का दंड पूर्व के अध्यायों में कृष्ण कह चुके हैं जिनको तू मारने की सोच रहा है वो तो पहले ही मरे हुए तू कौन होता है इनको मारने वाला इनका मरना तय है बस समझ ले तुझको मजा दे रहा हूं कि तू मजा ले ले कि तूने मारा मरना तो है ही इन्होंने इनका तो समय हो चुका पर इस खेल में तुम्हें पात्र मिला है क्षत्रिय होने का सो अपने धर्म को निभाओ और धर्म के लिए युद्ध को करो और फिर सामने पितामह भीष्म कि द्रोण हो कृपाचार्य हो कि तुम्हारे मामा हो तुम्हारे भाई हो कि तुम्हारे रिश्तेदार हो शत्रु पक्ष से कौरवों के पक्ष से इन राक्षसी वृत्ति तामसिक वृत्ति रखने वालों के पक्ष से जो भी कोई लड़ रहे हैं वो सब के सब तेरे शत्रु हैं तुम्हारे लिए कर्तव्य यही है कि तू युद्ध कर सो युद्ध कर सोच नहीं मारना है तो बस मार वहां पर तू अपने रिश्ते नातों को बीच में मत लेके जैनियों के शास्त्रों में कृष्ण की बहुत निंदा लिखी गई है और यहां तक लिखा गया कि कृष्ण तो नर्क में गए हैं इतने लोगों को मरवा दिया जैनियों ने उनके धर्म ग्रंथों में दूसरी बात यह भी लिखी कि अब जो अगला जैनियों का हमारा तीर्थंकर होगा उनका नाम होगा नेमिनाथ और वो श्री कृष्ण ही होंगे तो जो पाप कर्म किए वो अभी तो उनके दंड भोग रहे हैं वो उसके बाद जो हैं वो महावीर की तरह आदिनाथ की तरह हमारे तीर्थंकर होकर के आ जाएंगे वही मुश्किल हो जाएगी ना इतनी बड़ी बात आप बोल दोगे तो उन्होंने तो नरक में डाल दिया कौन बर्दाश्त करेगा इस बात को जो कृष्ण भक्त हैं वो तो नहीं करेंगे बर्दाश्त उनको समझ भी नहीं आती है चक्कर यह है कि कृष्ण को खुद कृष्ण भक्त नहीं समझ पाए तो बेचारे जैनी कहाँ से समझेंगे